अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माय लाइफ माय योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। साथियों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली ये तय हुई है। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। और इसलिए इस बार का योग दिवस, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये भावात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं, ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए
आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में, ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। साथियों, योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अद्यतिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्चते, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता विफलता, सुख संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। फ्रेंड्स, योगा एनहेंस आवर क्वेस्ट फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। इट हैज इमर्ज एज ए फोर्स फॉर यूनिटी एंड डीपन्स द बॉन्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट गोज बियॉन्ड रेस, कलर, जेंडर, फेथ एंड नेशंस। एनीबडी कैन एम्ब्रेस योगा। ऑल यू नीड इज सम पार्ट ऑफ योर टाइम एंड एम्प्टी स्पेस। योगा इज गिविंग अस नॉट ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट द चैलेंजेस बिफोर अस। फ्रेंड्स, इफ वी कैन फाइन ट्यून अवर कोर्स ऑफ हेल्थ एंड होप, द डे इज नॉट फार अवे व्हेन वर्ल्ड विल विटनेस द सक्सेस ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी ह्यूमैनिटी। योगा कैन डेफिनेटली हेल्प अस मेक दिस हैपन। साथियों, जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मयोग का भी आपको पुनः स्मरण करना चाहता हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने
योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन एक्शन इज योगा। ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधिक योग्य बनने की क्षमता पैदा होती है। अगर हम अपना काम अनुशासन से करते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है। साथियों, कर्मयोग का एक विस्तार और है। हमारे यहां कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात सही खानपान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम अपनी ड्यूटीज को सही ढंग से करना ही योग है। इसी कर्मयोग से हमें सभी तकलीफों और समस्याओं का समाधान मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे यहां निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के इस निस्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभव किया है। साथियों, जब हम योग से चलते हैं, कर्मयोग की भावना से चलते हैं, तो व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर, देश के तौर पर हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना से संकल्प लेना है, हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक सजग नागरिक के रूप में, हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर हम ये करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम।